जो पीछे मेरा है बाबा भोलेनाथ के मंदिर, विशाल मूर्ति जो अभी मैं दर्शन करके आया और छोटा सा वीडियो बनाया ताकि आप लोगों को दिखाऊं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गैंगटॉक और आप लोगों को दिखाऊंगा गैंगटॉक एमजी मार्केट, चार धाम और बॉर्डर्स और जितना भी हिल्स है, पहाड़ है, झरना है, सब कुछ। और आप लोग देखो मैंने जाया से आ कि गैंगटॉक, तो गैंगटॉक एम एम बड़ी जाया मैंने पूरे गैंगटॉक देखा तुम्हारे सवार गुले, तो सबा देखी थको वीडियो हमारा वही जो पहाड़ आई पहाड़ा जमो आर की। तो चलो, तो हम फाइनली हम लोग अभी गैंगटॉक पहुंच गए। जो फिलहाल अभी मैं हूँ गैंगटॉक एमजी मार्केट महात्मा गांधी स्टैचू के सामने। तो आप लोग के सामने ये है एमजी मार्केट गैंगटॉक। तो फिलहाल इधर ही है हम लोग। ओके, बहुत सुंदर नज़ारा, बहुत सारे काफ़ी सारे बाहर से आदमी भी आ रखा है, फ़ोटो वगैरह खींच रहा है। ये आप लोग का सामने पूरा एमजी मार्केट, ये मंदिर है और ये इन फ्रंट ऑफ एमजी मार्केट हिल से इस तरफ। तो अभी थोड़ा हम लोग इधर घूमेंगे। गुड मॉर्निंग सर, कृष्णा सर गुड मॉर्निंग, थैंक यू। तो फिलहाल अभी हम लोग हैं एमजी मार्केट गैंगटॉक में। तो यहाँ बैठेंगे एक दो दिन, इसके बाद नामची जाएंगे। अभी घूमने का बहुत प्लानिंग है हम लोगों का, काफ़ी सारे लोग यहाँ गेट टुगेदर कर रहे हैं, बैठ कर टाइम पास कर रहे हैं। बहुत बहुत ही अच्छा नज़ारा, तो बहुत सुंदर नज़ारा आप लोगों के सामने। अभी हम लोग उधर रोप वे जाएंगे घूमने अल्पो एमजी मार्केट, बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर जगह। तो मैं फर्स्ट टाइम आस लूँ, भले लगे ऐसे। एकदम फॉरेन स्टाइल, एवरीथिंग सब पा जाए जगत, अल्प कॉस्टलि है बट जदि खूब भल और बक्स फक्स पूरा लगा आसे। आप लोगों को दिखाने के लिए फिलहाल अभी मैं रुक पे हूँ और ये सर रहा आप लोगों के सामने, बहुत ही सुंदर व्यू, बहुत ही सुंदर नज़ारा। यहाँ से सारे गैंगटॉक का जो एरिया है, मार्केट है, सिटी है, जितना भी हिल्स है यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। ये जो मार्केट है गैंगटॉक का, ये नीचे पूरा नीचे से दिखाई दे रहा है, चारों तरफ जो है एरिया हो सब कुछ यहाँ से हम व्यू कर सकते हैं रोप के जरिए। मैंने मैंने हमारा পুরো গ্যাংটকটা এড়িয়ে থাকি দেখি পাবো আর কি, মানে ওপর চললে আর কি। খুব সুন্দর এটা রোডটা আর পুরো মার্কেটটা পুরো কারোবাক থেকে দেখা যায় আর কি, ওই জায়গার থেকে চললে পরে। এত সুন্দর জায়গা, ওই যে পাহাড় ঘর বাড়িগুলো দেখো কি সুন্দর করে দেখা যায় আছে। এটা মার্কেটটা হয়, মানে মার্কেটের উপরে দিয়ে মানে রোডটা বানাইছে আর কি, খুব সুন্দর। তো এনজয় করো। তো এরপরে আমরা চার ধাম যাবো, মন্দির যাবো, তো মন্দির যাই আমরা এনজয় করবো। তো নেক্সট ডে আমলোক ফির চলে চার ধাম কে লিয়ে, তো আবি হাম চল রহে চার ধাম। লাইফ মে ফির সে দুবার আয়া মে, আবি ফিলহাল মে হু নামচি সাউথ সিকিম আর আবি মে ইন ফ্রন্ট অফ জো চার ধাম কেতে হ্যায় बाबा भोलेनाथ की मंदिर के सामने हूँ और मैं आप लोग को अभी दिखाऊंगा। तो
का नज़ारा आप लोग देख लीजिए, बहुत सुंदर ही, बहुत सुंदर है। ओके, जन्नत जैसा है। और अभी आप लोग के सामने ये बाबा भोलेनाथ की जो विशाल मूर्ति है, अभी कम से कम मैं 1 किलोमीटर पीछे हूँ मूर्ति का, इसका नज़दीक भी जाऊँगा। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये है साउथ सिक्किम नामची। ओके, इस टाइम थोड़ा भीड़ कम है। उमेश भाई मज़ा मज़ा तमाम मज़ा। बहुत गर्मी है, बाप रे, पैर तो चुभ रहा है मेरा। मैं प्रॉब्लम के लिए अब हो गया था, ये सामान लाना था पूजा का, अभी मैं पूजा करने जा रहा हूँ। पूजा का सामान और आप लोगों के सामने ये भगवान का मूर्ति, विशाल मूर्ति। ये घंटा बजाऊंगा मैं। यहाँ आते ही मतलब मन को इतना शांति मिलता है। यहाँ सुनसान, कितना सुंदर, वीरान, मतलब आत्मा को शांति मिल जाता है। तो आप विनम्र अनुरोध है कि आप लोग अगर सिक्किम आओ तो बाबा भोलेनाथ का मंदिर दर्शन करके जाओ, और बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं जैसे घूम रहा हूँ, आपको भी ऐसा घूमने का मौका मिले तो ज़रूर आना और बाबा भोलेनाथ का दर्शन करके जाना, बहुत ही अच्छा लगेगा, मन को शांति मिलेगा। एक बार दिखा लेता हूँ आप लोगों को। भगवान का तो दर्शन हो गया, तो फिर मैं एक बार मंदिर को एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये जितना भी मंदिर है यहाँ, ये देखो कितना सुंदर नज़ारा, जैसे पहाड़ के टॉप पर है, ये आसमान को छूते हुए ये जगह, इतना हाइट है, इसे इतना हाइट है। और ये देखो विशाल जो मूर्ति है भगवान भोलेनाथ की, इतना सुंदर है, मतलब क्या बताऊँ आप लोगों को, मन को शांति मिल जाता है यहाँ आने से। ये फिर से एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पर, तो आप लोगों को कभी मौका मिले तो ज़रूर आना, और वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर करना। ओके, फिर से मैं रिकॉर्डिंग में आया। आज डे 11 है और सेम प्लेस में है हम लोग। 11,000 फुट से ऊपर आए हम लोग, अभी ये 18,000 फुट के ऊपर, 18,000 फीट है।